तो श्रील प्रभुपाद क्वेश्चन उठाते हैं कि ये भौतिक जगत में लोग दुखी क्यों हैं, परेशान क्यों हैं, शोक मोह से ग्रसित क्यों हैं। तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि इसलिए ग्रसित हैं क्योंकि गॉडलेस सिविलाइजेशन है, भगवान है ही नहीं। संस्कृति के अंदर जो संस्कृति, जो समाज हम चला रहे हैं, उसके अंदर भगवान है ही नहीं। भगवान के बिना ही हम सोच रहे हैं कि हम वो संस्कृति को चला लेंगे। सेकुलरिज्म इतना अधिक पॉपुलर हो गया है कि सेकुलरिज्म के नाम पे आप कुछ भी बोलो, चाहे कितना ही गलत क्यों ना हो, लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। जैसे अभी पीछे ये ईसाइयों ने बोला कि भारत माता की मूर्ति लगी हुई है, तो बोल रहे हैं कि इससे हमारी जो धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, इसको तोड़ दो या कवर कर दो। पुलिस भी आई, कवर कर दिया। अरे भाई, कैसे आहत हो गई? क्या तुम्हारी बातों से हमारी भावनाएं आहत नहीं हो रही? सेकुलरिज्म का मतलब ऐसा नहीं है कि तुम माइनॉरिटी के नाम पे दूसरे लोगों को दबाना शुरू कर दो। सेकुलरिज्म का मतलब है सब अपने अपने धर्म का आराम से पालन करो और भाईचारे से साथ में रहो, और उसके लिए एक दूसरे को टॉलरेट करना पड़ता है। अगर आप सोचो कि हम तो टॉलरेट नहीं करेंगे, जैसे जैसे वो टिड्डे हैं, एक दो चार टिड्डे होंगे, वो हमेशा डर के रहेंगे, छुप के रहेंगे, लेकिन हज़ारों इकट्ठे हो गए तो पूरे गांव के गांव फसलें नष्ट कर देते हैं। जैसे अभी ये लोकस्ट की प्रॉब्लम चल रही है, जो आपके अफ्रीका की तरफ से पाकिस्तान में एंटर हो गए और अब इंडिया में पंजाब की तरफ जो है, राजस्थान की तरफ एंटर हो रहे हैं वो। तो ये मतलब कोई तरीका नहीं है बेसिकली। सबको सेकुलरिज्म का मतलब है सब अपने अपने धर्म का पालन करो और भगवान से प्रेम जागृत करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि आप जितना आप किसी को दबा सकते हो उतना दबाने की पूरे दम लगा दो आप। ऐसे बात लंबे समय तक नहीं चलती। अगर समाज में अराजकता फैल जाती है और लोग बगावत करते हैं, तो उसके बाद तो सिविल वॉर में पूरी कंट्री नष्ट हो जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप हो जाती है, लोग बर्बाद हो जाते हैं पूरी तरह से। जितने भी लोग आप देख लो सिविल वॉर्स में, जितने भी कंट्रीज गई हैं, कोई भी कंट्री के लोग खुशहाल नहीं हैं और कोई भी ग्रुप का व्यक्ति खुशहाल नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर दो ग्रुप्स आपस में क्लैश कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, कि ये ग्रुप ज़्यादा खुशहाल है, वो ग्रुप कम खुशहाल है, दोनों ही रो रहे हैं, लेकिन लड़ाई रोक भी नहीं रहे। ऐसे बच्चों की तरह आपस में लड़ने वाली बात है। तो सहिष्णुता से काम लेना पड़ेगा हर पक्ष के लोगों को, तो लंबे समय तक बात बनती है। अदरवाइज़ तो आप झगड़ा तो छोटी छोटी बातों पे आप कर ही सकते हो। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं क्योंकि गॉडलेस सोसाइटी है, भगवान है ही नहीं केंद्र में, भगवान की कोई बात ही नहीं कर रहा है, इसलिए जो है लोग दुखी हैं। और भगवान क्यों नहीं है केंद्र में? श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं भगवान केंद्र में इसलिए नहीं है, भ्रम के कारण, माया के कारण। लोग भ्रमित हो चुके हैं, लोग सोच रहे हैं कि हम तो स्वतंत्र हैं, जो हमारी इच्छा आएगी हम करेंगे, हमें शास्त्रों की, हमें साधुओं की, हायर अथॉरिटी की, हमें गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें सब आता है। ये भ्रम के चलते एक गॉडलेस सोसाइटी जो है वो क्रिएट हो गई। और क्योंकि भगवान केंद्र बिंदु में नहीं है, कोई भगवान की बात नहीं कर रहा, इसलिए हम जितनी योजनाएं बनाते हैं, सारी योजनाएं, सारा परिश्रम हमारा व्यर्थ हो जाता है। बिल्कुल, कितनी मेहनत करते हैं, सालों साल मेहनत करते रहते हैं, लेकिन एंड रिजल्ट कुछ खास निकल के नहीं आता। कोई बोस्ट नहीं कर सकते कि ओह देखो मैंने ये निकाल दिया। और जो जिनको गर्व है अपनी उपलब्धियों पे, ज़्यादा देर तक रहेगा नहीं, मृत्यु के समय जो है भगवान सब छीन ही लेते हैं। तो किस बात की आप उसको उसके ऊपर गर्व करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। आप इटर्नली एंजॉय कर ही नहीं सकते उस चीज़ को। भगवत गीता में भी 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान यही कह रहे हैं, मोघ आशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता, कि जो लोग आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, नास्तिक है, भगवान को विश्वास नहीं करते, उनकी सारी योजनाएं, सारे कार्य, सारे ज्ञान का अनुशीलन, यज्ञ इत्यादि सब मोघ, सब नष्ट हो जाएंगे, सब विफल हो जाएंगे।
तो इसका क्या मतलब है कि भगवान को केंद्र बिंदु में लाना पड़ेगा, तभी बात होगी, और यही इसका उपचार है। कोई बोले कि दुखी हैं लोग, तो क्या उपचार है? उपचार यह है कि भगवान को केंद्र बिंदु में ले आओ।